हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग डिज़ाइन दिखाने वाले हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से पेंटिंग मटेरियल्स यूज हुआ है। तो ये कपड़ा, फ्रेम, ब्रश और पेंट हम यूज किए हैं इस डिज़ाइन को बनाने में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पेंटिंग करना। इस डिज़ाइन को हम पिलो कवर पे बनाए हुए हैं। आप चाहे तो इसे कुर्ती पे भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो सबसे पहले हम इसे फ्रेम से टाइट कर लेंगे पूरे डिज़ाइन को, और तब हम ग्रीन पार्ट को पहले बनाएंगे। ये जो मेरा ग्रीन कलर है वो है सैप ग्रीन 21, और जो ब्रश यूज कर रहे हैं ये फ्लैट ब्रश नंबर 3 है, लेकिन आगे हम पेन ब्रश भी यूज करने वाले हैं जिसका नंबर होगा 4। यदि आप पेंटिंग या फिर पेंटिंग मटेरियल से जुड़े कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टा आईडी है gyanlook4, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है gyanlook ब्यूटी ब्लॉग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप वहाँ पर मुझे देख सकते हैं, मेरे डेली लाइफ के बारे में जान सकते हैं। यदि आपको पेंटिंग मटेरियल्स ख़रीदने में परेशानी होती है या फिर आपके मार्केट में नहीं मिल पाता है तो आप हमारे दिए गए लिंक के द्वारा ख़रीद सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप हमारे लिंक से शॉपिंग करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप वहाँ से जाकर किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। हम यहाँ किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। ये लिंक बस आप लोगों के हेल्प के लिए दिए हैं, क्योंकि आप लोगों का हमेशा ये कमेंट आता है कि दी ये मटेरियल्स मेरे यहाँ नहीं मिल पा रहा है। कोई कहता है मेरे यहाँ थीन पेपर नहीं मिल पाता है, किसी के यहाँ मीडियम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग वहाँ से जाकर आसानी से ख़रीद सकें। तो ये ग्रीन कलर में जो हम कलर ऐड किए हैं वो है लेमन येलो कलर। येलो कलर भी कई तरह का आता है, तो अभी हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो लेमन येलो है। यदि आप पेंटिंग से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट्स की रिप्लाई ज़रूर करें। आप लोगों में से ना अधिकतर लोग यही कमेंट करते हैं कि दी हमें इस डिज़ाइन को मंगाना है, परचेज करना है, कहाँ से परचेज करें, ये बेडशीट हमें चाहिए। तो मैं नहीं सेल करती हूँ बेडशीट बनाकर, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं बनाकर सेल करूँ। मेरा मेन जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को मैं जो सीखी हूँ पेंटिंग वो सिखा सकूँ। तो यदि आप लोगों को इससे जुड़ा हुआ कोई हेल्प चाहिए, यानी पेंटिंग यदि आप कर रहे हैं और आपको कोई परेशानी हो रही है, तो मैं हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और अपने समस्याओं को हमसे बता सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोगों को जो हम सीखे हैं वो सिखा सकें। ये नहीं हम बोलते हैं कि हम पेंटिंग में सब कुछ जानते हैं और आपको सब कुछ सिखा सकते हैं। जो हम सीखे हैं, जितना हम सीखे हैं, बस उतना हम आप लोगों को सिखा सकें।
तो ग्रीन पार्ट हम बना चुके हैं। यहाँ पे दो लीफ आप देख रहे होंगे जिसको हम छोड़े हैं, नहीं बनाए हैं, वो इसलिए कि ये फ्लावर के ऊपर है, तो पहले फ्लावर को बनाएंगे उसके बाद इस लीफ को बनाएंगे। यदि पहले इस लीफ को बना देते हैं तो फिर फिनिशिंग नहीं आएगी, तो पहले फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर के लिए हम लिए हैं दो कलर, एक ऑरेंज कलर और एक येलो कलर। यदि आपके पास ऑरेंज कलर नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप येलो कलर में थोड़ा सा रेड कलर ऐड करके मिक्स कर दीजिए, आपका ऑरेंज कलर बन जाएगा। तो फ्लावर के पीटल्स को सबसे पहले येलो कलर से फिल कर लेंगे। यह वही येलो कलर है जिसका यूज हम लीफ बनाने में किए थे, यानी कि लेमन येलो कलर है ये। पहले इस तरीके से फिल कर लेंगे, उसके बाद ऑरेंज कलर से जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा ऐड करके हल्का शेड देंगे और फिर बीच में कहीं कहीं हल्का ग्रीन कलर ऐड करेंगे इस तरह लाइनिंग के रूप में, और फिर उसे मिक्स कर देंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा। इसी प्रकार सारे पीटल्स को बना लेंगे। चलिए अब बना लेते हैं फ्लावर्स के ऊपर जो लीफ छोड़े हुए थे जिसको नहीं बनाए थे उसको बना ले रहे हैं। इसे भी सबसे पहले ग्रीन कलर से फिल कर देंगे। अब इस लीफ को हम फिल कर चुके हैं, इस लीफ को हमें थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाना है, उसके लिए हम यहाँ पे येलो कलर इसमें यूज कर रहे हैं इस तरीके से। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि आपको दिक्कत होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर ऐड करेंगे, यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ दिखाने के लिए। तो इस तरीके से वाइट कलर ऐड करके और उसे हल्का शेड देते हुए मिक्स करेंगे।
इस तरीके से देखिए, दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा उठा हुआ है। और नीचे की तरफ थोड़ा सा ग्रीन डार्क कलर यूज करेंगे। यदि आपके पास ग्रीन डार्क नहीं है तो आप ग्रीन कलर में थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड कर लीजिए, ब्लू भी नहीं है थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर लीजिए और मिक्स कर दीजिए, और उसी से ये लाइन भी बना दीजिए और इसे कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये थोड़ा सूख जाए। पूरा नहीं सूखाना है, थोड़ा सूखाना है। तब तक चलिए हम दूसरा लीफ बना लेते हैं। उसके बाद इस लीफ में फिनिशिंग देंगे, देखिएगा बिल्कुल ही परफेक्ट दिखेगा, बिल्कुल नेचुरल दिखेगा। यदि आप बिगिनर्स हैं और अभी आपको अच्छे से पेंटिंग नहीं आता है तो आप पहले हमारे जो 15 क्लासेज हैं उनको देखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इस तरीके का जो डिजाइन है उसको बनाइए तो आप आसानी से बना लेंगे। और आप पहले ही दिन इसको बनाने लगे तो नहीं बन पाएगा आपसे। तो ये मेरा लिप थोड़ा सूख गया है, अब इसे फ्लैट ब्रश से थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर देंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, बिल्कुल रियल दिख रहा है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन बना रहे हैं तो उसमें इस तरह का लिप बना सकते हैं। इस तरह के लिप यदि आप बनाते हैं ना तो पूरा डिजाइन जो है वो बिल्कुल नेचुरल दिखने लगता है। तो अब ये डिजाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस दो कलियां बची है। चलिए इसे भी बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इस डिजाइन का फाइनल लुक। कली को भी पहले येलो कलर से फिल कर देंगे। इस तरीके से फिल करने के बाद ग्रीन कलर से बीच में एक लाइन बनाएंगे इस तरीके से, और फिर उसे मिक्स कर देंगे। तो दोनों कली में हम चाहे तो ऐसे ही लाइन बना सकते हैं, लेकिन एक कली मुझे थोड़ा छोटा दिखाना है, यानी कि ऐसा दिखाना है कि ये कली बाद में निकली है, तो इसको हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो ये है इस डिजाइन का फाइनल लुक, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल ही रियल दिख रहा है, बिल्कुल रियल। वीडियो में हो सकता है कि उतना खूबसूरत ना दिख रहा हो, लेकिन ये जो रियल में बना है ना वो बिल्कुल ही रियल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये फ्लावर रखा गया है, 3D बना है बिल्कुल। तो मुझे तो ये डिजाइन बहुत ही पसंद आया, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।